अब सर नया थीम जो लेके आ रहा हूँ सर, जो अभी शायद आपके यहाँ कुछ ने बोला बोला नहीं होगा या बोला होगा, मुझे मैंने सुना नहीं है, वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर सर अब घूमने लग गया है और हमें लगता है फार्मा का ये अर्ली ट्रेंड स्टार सिग्नल है, जहां पर हमें लग रहा है फार्मा में एक अच्छा मूवमेंट आपको आते हुए दिखेगा। वहां से दो स्टॉक आज लेकर आया हूँ, वो है इपका लैब और लॉरस लैब। का लेबोरेटरीज 994 रुपए पे है सर, राइट सर, 994 का है, 870 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट लेके चले। अच्छा सॉरी सॉरी 994, आई एम सो सो सॉरी, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो गए। 940 950 के करीब का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 1100 का पहला टारगेट है। हम टारगेट रिवाइज करके शायद 1200 1300 भी लेके जाएंगे, एक बार मोमेंटम पूरी तरह से आने लग जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे रिव्यू करते चलेंगे। लेकिन लोकेश सर कह रहे हैं कि अब अगला जो ट्रेंड आ रहा है या जो अगला अपॉर्चुनिटी आ रही है वो फार्मा सेक्टर में है। इससे पहले लोकेश जी ने ऑटो और ऑटो एंसिलरीज पकड़ी थी और उसके अंदर में बढ़िया फायदा बढ़िया मुनाफा आता हुआ दिखा था। अब इस समय ऑटो से खिसक करके अब साइकिल जो घुमा रहे हैं, अब वो लोकेश जी कह रहे हैं कि अब फार्मा का नंबर आ सकता है या आ रहा है और उसमें फार्मा के अंदर में जो स्टॉक्स जहाँ शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है, उसमें एक इपका लैब्स के लेवल्स बता दिए हैं सर लोकेश जी ने, स्टॉप लॉस क्या और टारगेट्स के। सर टारगेट्स अभी फिलहाल जो टारगेट्स है ये कितने टाइम फ्रेम में देख सकते हैं? ये सर मैक्सिमम 1 महीना तक दिख रहा है, दस अच्छा परसेंट का ठीक है, टारगेट है 1 महीने तक। 10% का टारगेट, 1 महीने का टाइम फ्रेम फिलहाल लेकर के चल रहे हैं। तो इसको लेकिन धीरे धीरे रिव्यू करते रहेंगे। तो हमारे साथ में लोकेश जी हफ्ते में 2 दिन जुड़ते हैं, फ्राइडे होते हैं सर और मंडे होते हैं, मंडे एंड फ्राइडे ना, जी मंडे मंडे एंड फ्राइडे मंडे एंड सर, फ्राइडे यानी वीकली हफ्ते की। वीक के स्टार्ट में और वीक के ऐसे खत्म में हम ठीक है, बने तो रहे आपके हफ्ते के साथ। लोकेश जी के साथ में शुरुआत से लेकर के हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते का आखिरी दिन, दोनों चीजें हम उन्हीं के साथ में करते हैं। और इसलिए उनको फॉलो करते रहिएगा या इस सेगमेंट को जरूर देखते रहिएगा। तो हम उसको रिव्यू करते रहेंगे और इपका लैब्स पे आगे चल करके क्या करना है वो बता दिए। फिलहाल इपका लैब में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं फार्मा सेक्टर के अंदर में से। ठीक है, दूसरा सर स्टॉक कौन एक सा है लाइन सर? में ऐड करूंगा सर, ऑटो जी सेक्टर में खत्म नहीं हुआ, ऑटो सेक्टर अभी चल रहा है, वो चालू हो चुका है और ये वो दिख अब लोगों को दिख चुका है, फार्मा भी ठीक है, लोगों को दिख रही है, लोग उसको लेकर रोजगार के भी तो मिल रखा रहा हुआ है। हाँ, उसको लेकर के रखा हुआ, अब उसमें नया एंट्री नहीं कर रहे हैं, अब उसके धीरे धीरे प्रॉफिट को राइट करेंगे जब आता जाएगा जैसे जैसे। लेकिन नई जो खरीदारी है अब वो ये कह रहे हैं कि अब फार्मा के अंदर में हम कर रहे हैं, यही कह रहे हैं लोकेश जी। जी 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 सर, दूसरा स्टॉक कौन सा कह रहे हैं? लॉरस लैब। लॉरस लैब्स में लेवल्स क्या और क्या स्ट्रेटेजी? सर अभी 525 चल रहा है, 490 का स्टॉप लॉस लगा लें, 570 से लेके 600 का टारगेट लेके चलें 1 से 1.5 महीने के अंदर। अच्छा, और इसमें भी सर वही वाली चीज है क्योंकि वो जो लेवल्स आप बता रहे हैं वो तो शायद पहला रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद अगर उसको तोड़ेगा तो फिर उसके आगे भी हो सकता है, लेकिन सर डिपेंड करेगा मार्केट सेंटिमेंट और बाकी चीजों पे। ठीक, करेक्ट करेक्ट है सर, करेक्ट। ये बढ़िया। ये एक क्योंकि सर और अर्ली साइन है, अभी हम पूरी तरह से नहीं बोल सकते फार्मा सेक्टर पूरी तरह से घूम जाएगा, ये अर्ली साइन दिख रहा है, अर्ली से लेने से हमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलता है और मुनाफा बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि 20-30% का बड़ा गेन आपको आ सकता है शॉर्ट टर्म फ्रेम में, जैसे हमने ऑटो में देखा, जैसे हमने और भी मेटल सेक्टर में देखा था जनवरी फरवरी में, उससे पहले एक्चुअली जनवरी तक हमने निकल गया था। ठीक है, तो ये रहा लॉरस लैब्स पे, तो फार्मा सेक्टर के अंदर में। और उसके उसमें अगर मैं एक खबर और जोड़ने की कोशिश करूं सर, तो वो चाइना से जो फिर से कुछ खबरें आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट ही कर रही, जो फिर से कुछ कुछ नहीं कोविड लॉकडाउन वाला सर करते। इतना ज्यादा नहीं करेगा, बट अभी सर ये एक तो 8 साल से फार्मा सेक्टर चला नहीं है, 2013 के बाद हमने फार्मा सेक्टर को चलते हुए नहीं देखा, 2020 में 5-6-10 कंपनीज जो है वो एपीआई बिजनेस है वो ही चला था, जिसमें लॉरस लैब भी था जो चलने वाला। मगर आप अगर एक एग्जांपल देता हूँ सर, लुपिन, आप लुपिन के चार्ट खोलो, आप किसी भी बड़ी कंपनी का चार्ट देख लो आप दिख जाएगा, 2014 तक आपका अलग ट्रेंड, मंथली चार्ट में देखो आप देखोगे जो ये 2015 14 15 में जो हाई था उसके बाद आप देखो कहाँ है। ऑरो फार्मा देख लो सर, सेम चार्ट आपको दिखेगा,
2015-16 के बाद से वहीं पड़ा हुआ है। अब कैडिला हेल्थ केयर देख लो, सेम चीज दिखेगा सर, बट अब जो है अब धीरे धीरे ये चीज ट्रेंड चेंज होते हुए हमें दिख रही है, जो लॉन्ग टर्म एक हो सकता है बड़ा अपमूव आपको आते हुए दिख जाएगा आने वाले टाइम पे। अब देखो कैडिला, देखो 2016 से अब कहीं नहीं चला, आज 7 से 8 साल हो गए। ये पूरा सेक्टर में सर लास्ट जो 20 कोविड के टाइम पे जो फार्मा स्टॉक चले थे वो 15 स्टॉक मोटा मोटा मैं गिन के बता सकता हूँ वो चले हैं, वो भी एपीआई जो बिजनेस थे वो चले, मेन फार्मा कंपनीज नहीं चली है। तो अब जो है अब मैं लगता है फार्मा ट्रेंड 8 साल के बाद एक घूमते हुए दिख रहा है, जो ये मेगा ट्रेंड हो सकता है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि 8-9 साल के बाद ये ब्रेकआउट है। मैं अर्ली साइन बता रहा हूँ सर, ये नहीं बोल रहा हूँ जी होगा ही होगा, अभी ऐसा कुछ इंडिकेशन है होगा ही होगा वाला नहीं है, बट एक इंडिकेशन ये है ये घूम रहा है तो आपको नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मा सेक्टर में एक इंडिकेशन है कि काफी सालों के बाद में एक मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है, और लोकेश जी कह रहे हैं उसके चलते दो स्टॉक्स इपका लैब और लॉरस लैब्स, इपका और लॉरस दो स्टॉक्स जिनके अंदर में खरीदारी के मौके दोनों के लेवल्स और स्ट्रेटेजी बता दी है, और धीरे धीरे रिव्यू भी करते चलेंगे, क्योंकि अगर बहुत सालों के बाद में एक तेजी आ रही है और बस ये है कि बाजार का सेंटिमेंट क्योंकि उस तरीके का नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ में और छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ में 10-10% के साथ में लोकेश जी चल रहे हैं, अदरवाइज अगर सब कुछ ट्रेंड वैसा वाला रहा होता तो ये बड़े टारगेट्स भी दे देते तुरंत। ठीक कह रहा हूँ सर लोकेश जी? हाँ जी सर, क्यों अर्ली साइन है इसलिए 10% दे रहा हूँ सर, इसके बाद हो सकता है मैं 1100 के बदले एक बार 1400-1500 का इक्का लैब दे सकता हूँ, क्योंकि इक्का लैब की जो सर हमें रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है इक्का लैब का, और वैसे लॉरस लैब का भी आने वाला है, तो ये अर्ली साइन है। एक बार क्वार्टरली रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद तो वो और क्लियरिटी आ जाएगी क्या चल रहा है। ये राय फार्मा सेक्टर में इपका और लॉरस लैब्स पे लोकेश जी के। ठीक है लॉरस, लोकेश सर इसके अलावा भी चाहे फार्मा सेक्टर या इसके अलावा बाहर निकल करके किसी और सेक्टर में कोई और आपकी रिस्क लिस्ट में है, या मैं सवालों पे चला जाऊं? सर स्टॉक्स बहुत सारे हैं, बट अभी मैं एक्चुअली 7-8 स्टॉक एक साथ में चल रहे हैं, क्योंकि 4 तो ऑटो सेक्टर में चल रहे हैं, 1-2 बैंकिंग में चल रहे हैं, तो इतने सारे ओपन कॉल भी सही नहीं रहता, तो अभी 2 ही ठीक है, कुछ क्लोज कर देते हैं आने वाले मंडे ट्यूजडे फिर देखेंगे नया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं लोकेश जी की जो पहले से जो कॉल्स खुले हुए थे वो अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है और वो अभी चल रहे हैं और उनको चलने देते हैं, तो इसलिए और नए पोजीशन खोलने की जरूरत नहीं है, 2 केवल अभी उन्होंने और ऐड करा है जिसमें एक इपका लैब्स और फ्लोरेस लैब्स, यहाँ पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी।